अब मैं आपको एक ऐसे अभिनेता का किस्सा सुनाता हूँ कि जिसका जब उदय हुआ 1970 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में, तो लोगों ने कहा अरे अब तो एक ऐसा स्टार आ गया जो अमिताभ बच्चन की छुट्टी कर देगा। तो बात आज मैं करूँगा राज बब्बर की। राज बब्बर आगरा के बच्चे की तरह, आगरा के लड़के की तरह शहर में आए। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों का साथ लिया, वो लोगों के घरों में जाके बैठ जाते थे, लेकिन स्टार तो स्टार होता है। एक बार वो मेरे गरीब खाने में भी आए, छोटा सा मेरा फ्लैट था आगरा के संजय प्लेस में, और वहाँ पर वो आए और मैंने देखा कि महिलाओं की भीड़ जुट गई। मेरे उस 3 बेडरूम के फ्लैट में जगह नहीं बची। एक नौजवान महिला आई, उसके हाथ में छोटी सी बच्ची थी, और उसने अपनी बच्ची को बड़ी बेदर्दी से सोफे की ओर फेंका। मैंने उसको लपका कि अरे बच्ची को कुछ हो न जाए। राज बब्बर ने ऐसे कोई बहुत बड़े काम आगरा में भले ही न किए हो, पर फिर भी वो जनता के प्रतिनिधि थे, और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आज भी उनका उस शहर में, उस शहर के मुकम्मल वासिंदे के तौर पर मुकाम है। अमिताभ बच्चन के बाद राज बब्बर, एक और बॉलीवुड की हस्ती जो पॉलिटिक्स में उतरी। यकीनन ये कहानी भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, और ये कहानी आपको सुनाएंगे वो जो खुद इस कहानी के साक्षी बने, जिनकी पत्रकारिता के हम सब बेहद मुरीद हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान अखबार के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी की, जिनका शो आप सुनते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन फीवर एफएम, द शशि शेखर शो, सैटरडे सुबह 11 बजे। डू नॉट मिस इट।